आप सबका स्वागत है। पांच चरण हो चुके हैं, दो चरण बाकी हैं। उत्तर प्रदेश क्या क्या भुलाए मोदी जी की और उनके तमाम पार्टी के नेताओं की एक प्रयास हमेशा रहा है, पूरे देश में रहा है और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे वो देखने को मिलता है कि कैसे वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे लोगों का ध्यान बटाया जाए। हम जानना चाहते हैं मोदी जी से और योगी जी से, आदित्यनाथ जी से, आप हमें बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या क्या भुलाए। क्या गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से जो मारे गए, क्या वो भूल जाए? ठीक है, तीन चार साल हो गए तो आप सोचते हैं भूल जाए, वो परिवार अपनी पीड़ा भूल जाए। या गंगा माँ के आंचल से अपने आप को, क्योंकि रामनामी तो नसीब हुई नहीं थी, उस आंचल से अपने आप को ढाप कर जो लाशें बह गई थी, क्या वो लाशें भूल जाए उत्तर प्रदेश? आप हमें बताइए, जो आपकी एक शैली रहती है, प्रचार शैली जो आपकी रहती है, हिंदुस्तान ने ऐसी प्रचार शैली कहीं देखी नहीं कि वर्तमान की पीड़ा भुलाने के लिए आप लोगों का ध्यान भूतकाल में ले जाएंगे और नफरत फैलाएंगे, या भविष्य के सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, रिझाएंगे, मूर्ख बनाने के प्रयास करेंगे, क्या क्या करें? कैसे भूल जाएं पेट्रोल और डीजल के तो रोज खर्चा होता है, जेब से पैसा निकलता है, वो भूल जाएंगे? तो आप ये प्रयास करना बंद कर दीजिए कि लोग वर्तमान की अपने दुख दर्द मुसीबत को भूल जाए, वो नहीं भूल सकते। बनारस की वो खूबसूरत गलियां, इन गलियों में भारत नहीं, पूरी मानव सभ्यता को जीवन और जीवन के बाद का रास्ता दिखाने वाली सभ्यता जो हमारी है, उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, क्या वो भूल जाए? हम तो पूछेंगे आपसे कि जो 12 मंदिर भैरव बाबा के या जो 9 मंदिर माँ दुर्गा के जिन गलियों में हैं बनारस की, क्या उनका भी चौड़ीकरण करेंगे? क्या उनके साथ भी वही किया जाएगा जो बनारस की बाकी गलियों के साथ किया? तो ये सवाल कठिन है, आपके पास उत्तर नहीं है ये हम जानते हैं, लेकिन हम पूछेंगे, क्योंकि आपने संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, आपने सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया, आपने आने वाली नस्लों के साथ भी खिलवाड़ किया है। भर्तियां तो छोड़ दीजिए, जो नफरत आपने हमारी इस पीढ़ी के दिमाग में बोने की साजिश रची, आने वाली कई पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। कितना ही प्रयास कर लीजिए, इवेंट मैनेजमेंट कर लीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट कर लीजिए, जिसके में आप पारंगत हैं, सिर्फ यही दो काम में आप पारंगत हैं, हम नहीं कहते, आपके अपने नेता आडवाणी जी कहते थे और ठीक कहते थे, हम उनकी भी एक आध बात से हम सहमत हैं। आपने कहा 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, क्या हुई? आ गया 2022, हम सब पत्रकार साथी यहां हमारे सामने बैठे हैं, हमसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आप बताइए किसी एक किसान को आप जानते हो जिसकी आय दुगनी हुई? मैं तो नहीं जानता, पंकज भाई तो नहीं जानते, अशोक जी तो नहीं जानते, किसी से पूछ लीजिए, प्रियंका जी बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए। हां, लागत जरूर चौगुनी हो गई, उन्हें खाद की लाइनों में मरने के लिए आपने झोंक दिया, क्या यह भी भूल जाए उत्तर प्रदेश? आपने उत्तर प्रदेश को क्या समझा है कि वो ये चीजें याद नहीं रखेगा वोट देते वक्त? पांच चरणों में के पश्चात जिन जिन लोगों से बात होती है, सुबह से शाम हमारा यही काम होता है, फोन उठाया, किसी साथी को फोन किया, आप जैसे साथी बहुत हैं, वो सब बता रहे हैं कि पांचों चरणों में लोगों ने इस बार प्रचार को नकार दिया मोदी जी के और आदित्यनाथ जी के, और ये तमाम पहलू जिसका जिक्र मैं यहां कर रहा हूं या मुझसे पहले के वक्ता आकर रोज आपके सामने करते हैं, वो तमाम पहलू लोगों के दिमाग पर जहन में सबसे आगे रहे वोट का बटन दबाते वक्त। अब छुट्टा सांड मोदी जी को आज याद आ रहा, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हम तो इसमें काम कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ जो हमारी सरकार है बघेल साहब की, उन्होंने काम करके दिखाया कि कैसे इस समस्या का ना केवल निराकरण हो बल्कि इस समस्या को उन्होंने एक तरह से अवसर बना दिया कि किसान भी कमा रहा है, छुट्टे सांड की समस्या भी नहीं हो रही है और सरकार की भी आय बढ़ रही है।
सरकार चलाना अगर किसी से सीखना हो, हम बचपन में चुनाव में पर्चियां काटते थे कांग्रेस की, तो पोस्टर भी चिपकाने का काम मिला एक बार। तो एक पोस्टर मैंने चिपकाया और मैं जहन में रह गया, सारे भारत से नाता है सरकार चलाना आता है, आपको तो याद होगा ये नारा। तो सरकार चलाना की जो शैली होती है, 7.5 साल हो गए मोदी जी तो नहीं सीख पाए, क्योंकि सीखने को तैयार ही नहीं। छत्तीसगढ़ से सीखिए, राजस्थान से सीखिए, नहीं सीखना चाहते पिछली सरकारें जो कांग्रेस की रही हैं उनसे सीख लीजिए। एक उद्योग अगर पूर्वांचल में लगाया हो पिछले 7.5 सालों में, जब आप तो यहां के सांसद हैं, जिससे 1000 नौजवानों को, पूर्वांचल के नौजवानों को नौकरी मिली हो, तो बताइए चुनौती है। उद्योग एक नहीं लगाएंगे, किसानों को झोंक देंगे लाइनों में, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देंगे, महंगाई आसमान छू रही है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, लोगों को लड़वाते रहेंगे और अपने वोट पाते रहेंगे, ये अब संभव नहीं है। प्रियंका जी ने बहुत ठीक कहा, गलती किसकी है, गलती हम सबकी है कि जो ये करने देते हैं। ये आत्मविश्वास मोदी जी और आदित्यनाथ जी को कैसे आता है हम और आप देते हैं, यह बात बोलने के लिए भी एक बहुत मजबूत जिगर चाहिए जो प्रियंका जी ने दिखाया। आज कांग्रेस के विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश हो या और प्रदेश हो, यह मुद्दे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको उठाकर सड़क पर संघर्ष करती हुई दिखी, पिछले कई सालों से लगातार दिखी। तो हम आपके माध्यम से फिर से गुजारिश कर रहे हैं, पूर्वांचल अब 2 चरण बाकी हैं, कि ये तमाम मुद्दों को भूलिएगा मत, प्रयास बहुत होंगे। वो कानपुर का व्यापारी गोरखपुर जाता है, पुलिस के हाथों मार दिया जाता है, क्या ये भूल जाएं? कई मुद्दे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या भूलें ये अब मोदी जी भी प्रयास करें तो शायद नहीं सफल होंगे। क्योंकि जब दर्द होता है, जिस परिवार में दर्द होता है उसका पड़ोसी अड़ोसी गांव देहात सबको समझ में आता है, सब महसूस करते हैं, सबका दिल है, सब जानते हैं कि इस परिवार में क्या त्रासदी हुई या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल रात को सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, लखनऊ की बच्ची का वीडियो, बहुत पीड़ा देने वाला वीडियो, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, यूक्रेन में फंसी हुई वो बच्ची। कहा जा रहा है कि 1173 लोग उत्तर प्रदेश के वहां फंसे हुए हैं। मोदी साहब क्या कर रहे थे, 200-250 बच्चे आए, कैमराज वहां पहुंचा दिए गए, मंत्री वहां खड़े होकर हिप हिप हुर्रे का नारा दे रहे थे, इवेंट मैनेजमेंट इसको कहते हैं। 250 बच्चे लाकर आप उसको एक उत्सव का रूप दे रहे हो, जबकि 20-30 हजार लोग वहां फंसे हुए हैं, उनकी चिंता कौन करेगा। उनको दूतावास कह देता है कि आप पोलैंड के बॉर्डर पर चले जाइए, और पोलैंड के बॉर्डर पर जब वो पहुंच जाते हैं तो दूतावास फोन उठाना बंद कर देता है। कल पूरी रात कई बच्चों ने वीडियो डाले, ऑडियो डाले, अगर वो कोई सरकार जिसमें थोड़ी सी शर्म हो सुन ले तो सर नीचे कर दे। विश्वगुरु बनने चले हो, अपने बच्चों की आपको फिक्र नहीं है और चले हैं विश्वगुरु बनने। तो अब कहते हैं ना, काठ की हांडी है, कितनी बार चढ़ाओगे? एक बार चढ़ा ली, चलिए आपकी किस्मत अच्छी थी, 2 बार चढ़ा ली, अब काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी, तीसरी बार तो कतई नहीं चढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश यह साबित करके दिखाएगा, पूरे देश को रास्ता उत्तर प्रदेश दिखाएगा कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अगर असली मुद्दों से आपका ध्यान बटाती है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाइए, रास्ता वो रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वोट पड़ गए तो एक बात निकल कर आई कि वोट जो है कोको ले गई। पूर्वांचल में जब वोट पड़ रहा है तो अब आवाज सुनाई दे रही है कि ये वोट सांड ले गया, जो कोको ने पश्चिमांचल में किया वो सांड पूर्वांचल में कर रही है। मोदी जी को होश नहीं है कि असली मुद्दे क्या हैं, उनका खुद ध्यान असली मुद्दों से इसलिए हटा। माफ कीजिएगा, आप में से कुछ दोस्त हैं, लेकिन ये कड़वी बात बोलनी पड़ेगी, ये ध्यान इसलिए उनको भी नहीं जाता इन मुद्दों पर क्योंकि मीडिया के कुछ साथी भी अपनी आंख मूंद लेते हैं,
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप में से कई लोग ऐसे नहीं है, सजग हैं, जिनकी वजह से आज भी उम्मीद और आशा है देश की जनता के मन में। लेकिन आपके कुछ साथी, हो सकता है वो राष्ट्रीय मीडिया के हों, हो सकता है यहाँ का मीडिया निडर हो, मुझे नहीं मालूम, पंकज भाई बताते हैं यहाँ का मीडिया बहुत निडर है, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं दिल्ली का मीडिया, उसने मोदी जी की आंखें मूंद ली, उस षड्यंत्र में वो भी शामिल। दुख होता है ये बोलते हुए, या मैं भी मीडिया में ही था एक जमाने में। तो आप जो अपनी आंखें खुली रख कर देखते हैं असली मुद्दों को, जनता को भी वो मुद्दे आप दिखाते रहें, मैं आपको वादा करता हूं उत्तर प्रदेश जैसे कि पहले रास्ता दिखाता था पूरे देश को, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश फिर से रास्ता दिखाने वाला है। राजीव शुक्ला जी आए थे, बता रहे थे, परसों मिले थे, उनकी बात मैं सोचने लगा। उन्होंने कहा जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ जाएंगे। आज सोशल मीडिया पे किसी ने ये ट्विटर पे एक सवाल उठाया, क्या बढ़ेंगे, 95% कह रहे हैं हाँ बढ़ेंगे, और कल इस बात का इशारा मोदी जी खुद यहीं उत्तर प्रदेश में करके गए। क्या बोले कि कोई तेल के कुएं हैं हमारे पास जो दाम कम हो जाए, ये कहना मोदी जी का, समझ लीजिए ये धमकी है। 10 तारीख तो छोड़ दीजिए, हो सकता है 7 तारीख की रात को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएं, इसमें आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि इस सरकार की ये आदत है मूर्ख बनाने की, में ये पारंगत है। आप रोज हमारे साथियों को सुनते रहते हैं, शायद कुछ बातें दोहराई भी गई होंगी मेरे द्वारा, तो अच्छा रहेगा कि अब सवाल जवाब शुरू करें तो कुछ नई बात भी निकल कर आए। विपक्ष बिना मीडिया के समर्थन के पंगू हो जाता है, ये आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। विपक्ष और मीडिया का एक ऐसा रिश्ता है जो मांस और नाखून का रिश्ता होता है। विपक्ष में कोई हो, आज हम हैं कल कोई और होगा, होगा ही होगा कल कोई और होगा, विपक्ष में हम नहीं होंगे। वो रिश्ता जब टूटता है तो लोकतंत्र को पीड़ा होती है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, सवाल आपको भी अपने आप से पूछना होगा। आपके बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे रहा हूं मैं, बिल्कुल जवाब देने थे। हर मुद्दे पर हमने अपने अपने स्तर पर संघर्ष किया, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो दिल्ली में बैठकर किया हो, लखनऊ में किया हो, गली सड़क स्टूडियो संसद, जहां जहां हमारी हैसियत है उससे बढ़कर संघर्ष किया। कोई एक पार्टी बताइए, और मुझे गर्व है प्रियंका गांधी वाड्रा पर, जब ये मैं बोलता हूं तो फख्र के साथ बोलता हूं, कोई एक पार्टी बताइए जो संघर्ष करते हुए, वो राहुल गांधी हो प्रियंका गांधी हो, संघर्ष करते हुए पुलिस वालों से जोर जबरदस्ती होते हुए पहुंचे हाथरस। और कोई और एक पार्टी बताइए इतिहास को उठाकर सामने रखकर, जो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई दिखे, हाँ तो वो भी इतिहास ने देखा, वो है भारतीय जनता पार्टी। वो उन्नाव में हो, वो कठुआ में हो, हाथरस में भी, तो अगर आप तुलना पे आएंगे तो तुलना तो किसी और को भारी पड़ेगी, हमें नहीं पड़ेगी। इतिहास ने कभी नहीं देखा कि बलात्कारियों के साथ एक सत्तारूढ़ दल, एक राजनीतिक दल खड़ा हो जाए झंडे उठाकर। जम्मू कश्मीर के तो 2 मंत्री रैली में चले गए थे बलात्कारियों का समर्थन करने। तो कांग्रेस से यह सवाल पूछना कि आप तब कहां थे, मुझे नहीं लगता वाजिब सवाल है, सम्मान के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ही थी जो दिखती थी। विपक्ष का एक राजधर्म होता है, वो हमने निभाया, लेकिन जो सरकार में है उन्होंने अपना राजधर्म निभाया है नहीं, सवाल अब वो बनता है, और उस सवाल की उत्तर की घड़ी आ गई है, और उत्तर उत्तर प्रदेश की जनता देगी। पहली बात तो मैं ये वोट बैंक शब्द मुझे ठीक नहीं लगता, माफी चाहता हूं, ये हमारा भविष्य है नौजवान, ये वोट बैंक नहीं है हमारे, जिसके होंगे वो जाने, हम नहीं उनको वोट बैंक मानते, हमारी अपने परिवार के सदस्य हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी है। भर्ती विधान, ये 2 शब्द लोगों के दिमाग में गूंजते हैं, ये शब्द किसने दिए, ये कांग्रेस ने दिए, बाकी पार्टियां तो मजबूरन उस रास्ते पर आने की, अब लड़खड़ाते हुए आने की प्रयास कर रही हैं, जिस रास्ते पर प्रियंका गांधी ने ना केवल रास्ता दिखाया, खुद चलकर आज उत्तर प्रदेश में नौजवान कांग्रेस की तरफ पूरी उम्मीद के साथ देख रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ आजमा लिया, आंखें खुल गई नौजवान की कि ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें तबाह कर रहे हैं।
इसलिए कांग्रेस ने नौजवानों के बारे में सबसे पहले सोचा और एक ठोस रोड मैप दिया कि इस रास्ते पर चल के इतनी भर्तियां होंगी। कभी कोई पार्टी पहले, आज से पहले, संख्या नहीं बताती थी कि हम इतनी नौकरियां देंगे। ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की। जब हम राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, तो राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता, मैं राजस्थान में था उस दिन, हवाई जहाज से पहले शपथ ग्रहण समारोह में आए अशोक गहलोत जी के, फिर गए कमलनाथ जी के और फिर गए छत्तीसगढ़। जब वो राजस्थान से विमान उड़ के मध्य प्रदेश पहुंचा, तब तक अशोक गहलोत जी ने फाइल साइन कर दी थी किसानों को राहत देने वाली। जब वो छत्तीसगढ़ से लौटकर दिल्ली हवाई जहाज उतरा, तब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी वो फाइल साइन कर दी थी किसानों को राहत पहुंचाने की, उनकी धान खरीदी की। यह है कांग्रेस पार्टी की नई परंपरा, नई परिपाटी जो राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी ला रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी अगर कुछ कहती है तो वो करके दिखाने का ना केवल मादा रखती है, वो आपको उदाहरण भी बता सकती है कि छत्तीसगढ़ में हमने इतने घंटों में यह किया, इतने सालों में नहीं, इतने घंटों में, या मध्य प्रदेश में यह किया, या राजस्थान में यह किया। पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है। पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने जो विमर्श, राजनीतिक विमर्श इस प्रदेश में शुरू किया है, वह विमर्श उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर जरूर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही नहीं, देश भर की राजनीति को यह विमर्श, वो लड़की हूं लड़ सकती हूं से लेकर भर्ती विधान से लेकर तमाम जो मुद्दे प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाए हैं, वो मुद्दे इस देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं और वो बदली जा रही है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने ये इतिहास लिखा जा रहा है। मैं और आप दोनों खुशकिस्मत हैं। A new history is being written right before our eyes, ये भूलना नहीं। आज से 10 साल बाद जब फिर हम मिलेंगे तो आप ये बात मुझे याद दिलाइएगा या मैं आपको बात याद दिलाऊंगा कि वाकई एक इतिहास लिखा जा रहा है और वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखा जा रहा है।